नमस्कार, रियासी के बस स्टैंड में जो कम्प्लेक्स है उसकी सीधी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। कल भी ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। कल की और आज की तस्वीरों में कुछ अंतर है। कल ठीक इस जगह पर जो तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, यहाँ पर झाड़ियाँ उगी हुई थी, पौधे उगे हुए थे, लेकिन आज उनकी सफाई जो है वो हो चुकी है। और दूसरे माले पर भी हम गए थे, वहाँ पर भी सफाई जो है वो चल रही है और जो पानी इकट्ठा होता है उसका सोल्यूशन निकालने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि ये पानी की जो समस्या थी, जो वाटरफॉल ऊपर से होता था, जो पानी ऊपर से नीचे गिरता था, उसका निराकरण अभी हो पाया है या नहीं, या हो पाएगा या नहीं, उसका अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कल जो तस्वीरों में पौधे और जो झाड़ियाँ यहाँ पर उगी हुई थी वो कम से कम नहीं है, वो उनकी सफाई आज करवाई गई है। सुबह हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जो सफाई है वो चल रही है और अब जो तस्वीर है कल के मुकाबले बदली हुई है। कल हमने प्रमुख तीन चार मुद्दे रियासी के बस स्टैंड के उठाए थे, जिनमें एक मुद्दा था कि इस इमारत में झाड़ियाँ उगी हैं, पौधे उगे हुए हैं, इसके साथ ही ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये बंद है, और उसके साथ ही वो मशीन जो है प्लास्टिक बॉटल्स को डिस्पोजल करने वाली वो बंद है, मशीन अभी भी बंद है, ये स्क्रीन अभी भी बंद है, लेकिन जो झाड़ियाँ हैं वो यहाँ से हटा दी गई हैं, सफाई की गई है। और पानी जो टपकता था वो मुद्दा भी उठाया गया था। पानी शाम के समय क्या फिर टपकेगा, या बारिशों के समय फिर टपकेगा, या फिर जो टंकी है वो लीक है, या किस कारण पानी जमा होता है और यहाँ से लगातार टपकता है। पानी टपकने से कई सारी समस्याएँ रियासी के बस स्टैंड में पैदा होती हैं। अभी भी देख सकते हैं बूंदाबांदी हल्की जो है वो ऊपर से होती हुई दिख रही है और नीचे जो पानी भी जमा है, और यही पानी जो है वो रियासी के बस स्टैंड में उस स्थान पर जाता है और वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं और गड्ढों में पानी भी जमा रहता है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले तमाम लोगों को, राहगीरों को समस्या का सामना करना पड़ता है। कुछ आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और दूसरी साइड की तस्वीरें भी दिखाई थी, यहाँ पर पेड़ पौधे उगे थे, वो भी पेड़ पौधे जो हैं वो साफ हो चुके हैं, सफाई उनकी करवा दी गई है, और ऊपर जहाँ से पानी टपकता था वहाँ पे सफाई अभियान जो है इस समय चल रहा है। और कल एक शख्स जो मेटाडोर यूनियन से जुड़े हैं उनसे बातचीत की थी, उन्होंने भी कहा था कि इस समस्या के बारे में जो पानी टपकता है, पानी गिरता है ऊपर से, उसके बारे में अवगत भी करवाया गया था म्युनिसिपल काउंसिल को, लेकिन उसके बाद हल नहीं निकाला गया। आज फिर इनसे बातचीत करते हैं। कल आपने बताया था कि पानी की जो समस्या थी और पेड़ पौधे जो उगे हुए थे, आज क्या सफाई होती हुई हम देख रहे हैं, और ऊपर भी सफाई अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, कल की खबर का असर है। कौन लोग, कितने लोग आए थे और कब हुई ये सफाई? ये सुबह को ही हुई है, कोई 10-12 बंदे आए थे, मगर अब ठीक हो गया, पहले से ठीक हो गया। अब पानी की समस्या अभी भी क्या हल नहीं हुई है, अभी भी हम देखना तो देखिए सर, अभी तो पानी आया नहीं है, पानी आता है इधर शाम को, शाम को देखेंगे पानी आता है या नहीं आता है। हाँ, बाकी सफाई सफुई हो गई, बाकी ये खड्डे खुड्डे रह गए जो है इधर। तो क्या कहेंगे अगर पानी फिर से आया तो क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ती है रियासी के बस स्टैंड? ये इधर पैसेंजर बैठे होते हैं वो पानी गिरता है उन पर, आज अगर मौसम भी वैसा चल रहा है बीमार हो जाएगा कोई। और ये जो खड्डे हैं क्या पानी के कारण ही बनते हैं, और ये खड्डे में जमा रहता है वो भी ऊपर से गिरा हुआ पानी रहता है? ये खड्डे पानी के कारण नहीं बनते, पानी ना गिरे तो ये खड्डे नहीं बन सकते। यानी कि कुछ सुधार हुआ है? हाँ, सुधार तो कुछ हुआ है। चलिए, तो बदली हुई तस्वीर है, लेकिन अभी पूरी तरह से समस्याएं क्या खत्म हो गई हैं या नहीं, ये शाम को देखना होगा, क्योंकि शाम के समय जब पानी आता है तो पाइपों से पानी छोड़ा जाता है PHE द्वारा, जल शक्ति विभाग द्वारा, उस समय शायद जो ऊपर की टंकी है वो भी फुल हो जाती है और वहाँ से जो ओवरफ्लो होता है शायद वो पानी नीचे गिरता हो, और बारिशों के समय में भी पानी ऊपर से इस तरह से उस तरफ और इस तरफ गिरता है, जिससे यहाँ जो तमाम लोग बैठे होते हैं उन्हें भी परेशानी होती है और जो गड्ढे हैं वो भी बन जाते हैं और गड्ढों में भी पानी जमा रहता है। उस तरफ की भी तस्वीर जो कल हमने दिखाई थी वहाँ पर भी देखते हैं कि अब वहाँ की तस्वीरें भी बदली हुई हैं, तो उस तरफ का रुख करते हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी कुछ झाड़ियाँ और पौधे उगे हुए थे वो साफ किए गए हैं। हालांकि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैनर है वो उसी तरह यहाँ पर लगा हुआ है, और
फटा हुआ है उसे नहीं हटाया गया है। और ऐसे में क्या इमेज ये बैंक की बनाता होगा ये बैनर, जब आपके नाम का बैनर ही फटा हुआ होगा तो क्या मैसेज जाएगा। तो यहाँ पर भी गंदगी थी और अभी भी यहाँ पर कुछ और सामान पड़ा हुआ है, और ये नाला भी हमने कल दिखाया था, हालांकि इसकी स्थिति अभी भी वैसी है, इसे साफ़ नहीं किया गया है। तो ये आज की तस्वीरें हैं, कुछ तस्वीरें जो हैं बदली हुई हैं और बहुत कुछ अभी बदलना ज़रूरी है। और उम्मीद यही करते हैं कि ये तस्वीर जो है, ये तस्वीरें जो हैं पूरी तरह से बदलेंगी और सुधार होगा रियासी के बस स्टैंड की सफाई व्यवस्था में, और एक सुंदर बस स्टैंड लोगों को देखने को मिलेगा और अच्छे माहौल में लोग यहाँ से गुजर सकेंगे। और एक वाहन जो है म्यूनसिपल्टी का वो यहाँ लगा रहता है और उसमें गंदगी जमा की जाती है, वो भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं ये ट्रैक्टर और ट्राली है, टायर नहीं है इसका, यहीं पर पड़ा रहता है और इसमें कचरा भी डाला गया है, कब उठाया जाएगा इसकी जानकारी नहीं है और यहाँ की स्थिति भी अच्छी नहीं है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये देख सकते हैं ये कचरा हवा के कारण उड़कर आगे पीछे भी जा रहा है और बस स्टैंड में फैल रहा है। तो तस्वीर बदली ज़रूर है लेकिन पूरी तरह से जो तस्वीर है वो नहीं बदली है। और इस स्थान पर पहले गड्ढा बनाकर कचरा डंप किया जाता था, फिर टाइल डाली गई, वो गड्ढा जो है वो ख़त्म किया गया, अब ये वाहन यहाँ पर लगाया जाता है लेकिन आगे पीछे भी कचरा फैला हुआ है। उम्मीद यही करेंगे आज सुधार हुआ है और आगे और सुधार होगा और तस्वीर पूरी तरह से रियासी के बस स्टैंड की बदली हुई दिखेगी। चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।